पूरे देश के अंदर दशहरा का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है और आज हम हिसार के महावीर स्टेडियम में मौजूद है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस प्रकार से जो है हिसार के अंदर भी जो है दशहरे बनाने के लिए पूरी जो है तैयारियां की जा रही है। कटला रामलीला के द्वारा जो है महावीर स्टेडियम के अंदर है जो ये तैयारियाँ की जा रही है। आप देख रहे हैं कि रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के जो पुतले हैं यहाँ पर जो खड़े कर दिए गए हैं और शाम को जो है यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी मुख्य अतिथि के तौर पर जो शिरकत करी रावण का जो है पुतला दहन करेंगे। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है कटला रामलीला के उप प्रधान बंटी गोयल जी, तो इनसे जानना चाहेंगे कि जो है तैयारियाँ है किस प्रकार से जो है आज की जा रही है। सर, आज जो दशहरे के पावन पर्व के ऊपर जो महावीर स्टेडियम में किस प्रकार से जो है ये तैयारियाँ की जा रही है? ऐसा सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 25 तारीख से इस रामलीला की शुरुआत हुई थी और 25 तारीख से आज अब विजय दशमी पे पहुंच गए हैं। तैयारियों की बात यह है कि आप पीछे सब देख रहे हो, लगभग एक महीने से ये पुतले बनने लग रहे हैं जी, और इसको बनाने वाले कारीगर मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर और दिल्ली, तीन जगह से ये कारीगर आए हैं जिन्होंने पुतले बनाए हैं। और आतिशबाजी का इसके अंदर ये आलम रहेगा कि आप अभी तो पूरे तरह डंडे ये खड़े भी नहीं हुए जी, और 4000 तो इसके अंदर बम है जो दिल्ली के शबीर कारीगर ने लगाए हैं। सबसे इंडिया का टॉप कारीगर है जी, उसने इसके अंदर ये पुतले के अंदर आप देख रहे हो। और ये ऐसे मुख्यमंत्री का स्वागत रामलीला कमेटी कटला करती है। ये 23 डंडे ऐसे आतिशबाजी के लगेंगे जी, जो कि 125 साल के इतिहास में हिसार के अंदर पहली बार होगा, और शायद मेरा कहना होगा हरियाणा में भी पहली बार होगा। अगर पुतलों की हाइट की बात की जाए तो कितनी हाइट पर जो है पुतले बनाए गए हैं और इनकी लागत क्या है? 55 से 60 फीट लगभग इनकी हाइट है, और खाली पुतलों की जो मतलब लागत है वो 3 लाख रुपए है। इसके अलावा आतिशबाजी के पैसे अलग हैं। पुतलों की बात की जाए तो इन पुतलों के अंदर अब की बार जो लोगों को क्या कुछ नया देखने को मिलेगा? इनमें डायनामाइट है, जैसे एक बम टाइप आइटम होती है, और अभी इसके अंदर आप थोड़ी देर बाद देखना यहाँ लाइटिंग लग जाएगी। जब तक पुतला जलेगा नहीं ये, उतना ये लाइट से चलेगा, दूर दूर से लाइट दिखेगी। कुल मिला के अब के बार बहुत आकर्षक देखने को, आकर्षक नहीं काफी आकर्षक है। और मेरी मतलब ये है कि भी जो आदमी से वंचित रहेगा वो बाद में पछताएगा, अभी मैं रह तो नहीं गया किसी तरह। अगर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी यहाँ पर जो शिरकत करने जा रहे हैं आज, तो क्या कुछ शेड्यूल रहेगा उनका? 5:15 का उनका टाइम है करेक्ट, वो आएंगे, पहले राम जी को तिलक करेंगे, फिर वो बैठ के सारी लीला को देखेंगे और उन्हीं के हाथ से रावण का दहन होगा। ये थे हमारे साथ कटला रामलीला के उप प्रधान बंटी गोयल जी। इनका साफ तौर से यही कहना है कि आज जो है मुख्यमंत्री द्वारा जो है पुतले का दहन किया जाएगा और 5:30 बजे महावीर स्टेडियम के अंदर जो है दशहरे का जो है कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए हिसार से विनोद सैनी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।